आज हम आपके सामने एक डेली क्रिकेट के होस्ट के नाते नहीं, एक थोड़ी बहुत क्रिकेट नॉलेज रखने वाले दो लड़कों के नाते नहीं, एक सिंपल क्रिकेट फैन के नाते आपके सामने आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल क्रिकेट फैन, जैसे एक नॉर्मल क्रिकेट फैंस होते हैं जिन्हें क्रिकेट देखना पसंद होता है, और वो भी उनकी भी कोई फेवरेट टीम होती है, फेवरेट टीम नहीं होती है, उन्हें भी लगता है कि अरे यार ये मैच कौन जीतेगा, ये मैच कौन जीतेगा। बिल्कुल इस तरह से आए हैं हम, अपना जो दिमाग है वो अपने टेबल पे छोड़ के आए हैं, यहाँ पर आपके सामने लेके आए। एक टिपिकल क्रिकेट फैन जैसे होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल वैसे ही आपके सामने लेके आया। हम अपने पर्सनली ये प्रेडिक्शन इस सीरीज की दे रहे हैं जो हमें एज अ क्रिकेट फैन लगता है, क्योंकि हम अगर दिमाग यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो सब मैच प्रीव्यू होगा, इन सारे मैचेस जो मैच तब उसमें आप बताएंगे कि रियल प्रेडिक्शंस क्या लगता है हमें, कौन जीत सकता क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक टिपिकल क्रिकेट फैन एक फ्रेंडली वे में हम और रहान आपके सामने रखने वाले हैं कि आखिर क्या हो सकता है इन मैचेस में, क्या क्या प्रेजेंट निकल जाते हैं। चलिए रहान शुरू करते हैं, सबसे पहले मुझे फोन इधर दे दीजिएगा। 18 फरवरी को पहले मैचेस की अगर मैं बात करूं, रहान ओमान वर्सेस नेपाल है, आपका प्रेडिक्शन बताइए क्या होगा इसमें, किसके कितने परसेंटेज आपको लगा है चांसेस जीतने के, दिमाग घर छोड़िएगा दिल के हिसाब से। बिल्कुल लगता तो है 55% जहां तक उम्मीद है ओमान और 45% नेपाल। बिल्कुल, और जहां तक मुझे लगता है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं भी दूंगा 60% ओमान और 40% नेपाल। मैं क्योंकि जैसा लगता है वैसे ही मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पर अगले मैच की बात करूँ, कनाडा और फिलीपींस, यहाँ तो मेरे को दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ा क्योंकि इनकी क्रिकेट इतनी नहीं देखी है। तो चलिए मैं आपसे शुरू करता हूँ, आपको क्या लगता है कनाडा वर्सेज फिलीपींस में कितना परसेंटेज किसको जा रहा है? जरूर 80-20 है, 80 या 90-10 कह लें आप, 80-20 कह लें तो बिल्कुल कनाडा, कनाडा ऑब्वियसली कनाडा। बिल्कुल, मेरी तो 95 समझ के चलिए, 95 कनाडा और 5% फिलीपींस। उसी दिन अगला एक और मैच है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है भाई, आयरलैंड वर्सेस यूएई। इसमें क्या लगता है आपको, इसमें आपका जो विनिंग परसेंटेज है क्या कहता है, आपका क्रिकेट फैन जो है अंदर का वो क्या कहता है? बिल्कुल क्रिकेट फैन के तौर पर तो लगता ही है कि 60% आयरलैंड एंड 40% यूएई। बिल्कुल, तो ये आपका है, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा, मुझे यहाँ पे 55% मैं यूएई को दूंगा और 45% यहाँ पर आयरलैंड को दूंगा। हाँ, क्रिकेट फैन के नाते मैं दे रहा हूँ, जैसा हमें भी एक नॉर्मल क्रिकेट फैन के नाते मैं यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ कोई दिमाग का यूज मैं नहीं कर रहा हूँ। जर्मनी वर्सेज बहरीन, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा यान कि आपको क्या लगता है कितने परसेंट किसको जा रहा है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा टक्कर जरूर होगी, ऐसा नहीं है, अब देखना होगा, लेकिन एज अ फैन एज अ व्यूअर जो है लगता है जर्मनी। बिल्कुल बिल्कुल जर्मनी, 55 जर्मनी एंड 45 बहरीन। बिल्कुल, खैर इसमें मैं इतना वो डाउट मेरा माइंड नहीं है, 80% जर्मनी और 20% मैं यहाँ पर बहरीन को दूंगा। आपको क्या लगता है, आप भी खबर बताइए, आप बताइए कि आपको कितने कितने परसेंट लगते हैं इन मैचेस का, क्या क्या रिजल्ट हो सकता है? खैर दिमाग मत लगाइएगा, दिल से बताइएगा जो आपको क्रिकेट फैन लगता है, क्योंकि दिमाग हम लगाएंगे तो इसमें आधे से ज्यादा हमें जो बताएं वो गलत ही निकलेंगे। अगले की बात करें 19 फरवरी, जी 19 फरवरी की बात करूं, कनाडा वर्सेज ओमान, इसमें आप क्या देखना चाहते हैं, किसको जीत मिले? नहीं बिल्कुल, जहां पूरी उम्मीद है ओमान इसमें बाजी मारेगा और 85% और 90% ओमान। बिल्कुल, और मेरा भी कुछ कुछ ऐसा ही है, मैं 75% यहाँ ओमान को दूंगा और 25% कनाडा को दूंगा, सिर्फ उनके अमेरिका क्वालिफायर्स को देखते हुए, जो कि वही मैंने थोड़ा बहुत देखा है। नेपाल वर्सेस फिलीपींस अगला है, जी हाँ, इसमें तो मैं ख्याल से 99% दूंगा, कोई दवा नहीं, 99% नेपाल, 1% फिलीपींस, वो भी इसलिए क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, तो इतना तो खैर ऑब्वियस रखना ही पड़ेगा। आपका क्या है? नहीं, मेरा 99.50 नेपाल, 0.50 है यहाँ पे फिलीपींस, इतना तो हम चलिए अनिश्चितता के तौर पर आपको दे रहे हैं। बहुत बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट है तो कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि नेपाल में बहुत ही कंफर्टेबली इस मैच को जीत लेगा। यूएई वर्सेस जर्मनी, ये एक अच्छा मैच है, जर्मनी को जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी है, क्या लगता है आपको, आप इसमें किस टीम को फेवर करते हुए नजर आएंगे इस मैच में, यूएई वर्सेस जर्मनी? बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली जर्मनी को चाहूंगा कि एज अ फैन एज अ व्यूअर कहीं ना कहीं बहुत कुछ करे जर्मनी इस ग्लोबल क्वालिफायर में, उम्मीद भी है, पर रियलिटी देखें तो अब लगता है 70-20। बिल्कुल, तो 80 यूएई को और 20 जर्मनी को, जी हाँ, मेरा भी कुछ लगभग कुछ ऐसा ही होगा, 70% करीब मैं यूएई को दूंगा और 30% जर्मनी को, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है, वो आप बहुत सारे ऐसे टीम्स का देख चुके हैं। खैर बात करते हैं, बहरीन वर्सेस आयरलैंड भी है इसी दिन, यहाँ पर जो ये मैच है ये समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा डेड रबर टाइप का, आप कह सकते हैं डेड रबर नहीं मतलब कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एक तरफा मैच आप कह सकते हैं। यहाँ पर मैं आप ही के उस पर आऊंगा, 99.5% में आपका आयरलैंड को दूंगा, 0.5 सिर्फ क्रिकेट है इसी वजह से। आपका क्या? मेरा यहाँ पे 100 होगा आयरलैंड को, ऑब्वियसली 100 होगा, क्रिकेट है इसका मतलब ये नहीं है कि
कुछ भी हो जाए जी हाँ। कुछ भी हो और इतने बड़े इवेंट पे, एक्चुअली आईसीसी इवेंट पे मैं बात कर रहा हूँ बस इसलिए। बिल्कुल, चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट जो डे होगा ग्रुप स्टेज का, उसमें हमारी एज अ क्रिकेट फ्रेंडली प्रेडिक्शंस क्या क्या रहेंगी, क्या क्या हम चाहते हैं हो जाए। 21 फरवरी को आयरलैंड वर्सेस जर्मनी, क्या प्रेडिक्शन है आपका, क्या हो सकता है? बिल्कुल 95% आयरलैंड, ऑब्वियसली 95% आयरलैंड, 5% जर्मनी। जी हाँ, मेरा भी 90% करीब आयरलैंड और 10% यहाँ पे जर्मनी को दूंगा। उसके बाद यूएई वर्सेस बहरीन, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या ये किस टीम को आप यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और क्या आपका प्रेडिक्शन हो सकता है? बिल्कुल 60-40 दूंगा, 60 यूएई को 40 बहरीन को। बिल्कुल, दैट्स इतना हम बनता है, कहीं ना कहीं देखना होगा थोड़ा ये बहरीन को भी। और क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा ये हम स्ट्रिक्टली एक क्रिकेट फैन के तौर पर आपके सामने आए हैं, बहुत कुछ असाइड कर दिया, बहुत असाइड कर दिया, क्योंकि टिपिकल क्रिकेट फैन जो भी हमें भी तो क्रिकेट देखने का मन करता हुआ यार कि वीडियो ना बनाना पड़े, सिर्फ क्रिकेट देखें आराम से एंजॉय करें, बस उस टिपिकल एज अ क्रिकेट फैन ही आपके सामने वीडियो हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें क्या क्या मन करेगा और क्या क्या लक्ष्य लग रहा है, क्या क्या हो सकता है। डेफिनेटली जाहिर सी बात है जब हम इसमें अपना ब्रेन को यूज करेंगे, ब्रेन को डालेंगे और जब मैच प्रीव्यू आपके सामने लेकर आएंगे, डेफिनेटली इसमें से बहुत सारी चीजें बिल्कुल अलग होंगी। ये सिर्फ एज अ क्रिकेट फैन हम आर ओ एन आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए अगले मैच में भी बढ़ते हैं, नेपाल वर्सेस कनाडा की अगर मैं बात करूं, यूए वर्सेस बैरिन मेरा भी ऐसे ही है 60-40 के करीब है। नेपाल वर्सेस कनाडा की बात करूं, यानी एक अच्छा मैच हो सकता है अगर कनाडा अपने अमेरिका क्वालिफायर्स के फॉर्म को दोहराता है, लेकिन फिर वही हम यहाँ पे अपना दिमाग नहीं घुसाएंगे। सिंपली यहाँ पर अगर मैं चाहूँ मेरे जो पर्सनल होगा तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा नेपाल 80% इस मैच को ग्रैब करे और मैं 80% नेपाल को यहाँ देना चाहूंगा। आपकी फेवरेट इनमें से कौन सी होगी? ऑब्वियसली नेपाल, 95% नेपाल, कोई दोहराए नहीं है और 5% कनाडा। जी हाँ, ओमान वर्सेस फिलीपींस ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच होगा, बहुत ही ऑब्वियस है, 95% मैं ओमान को दूंगा। और सेम मैच 95%। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यान, आपकी ग्रुप ए में दो फेवरेट टीम एज अ क्रिकेट फैन जो आप चाहते हैं कि ये दोनों पहुंच जाए, यार ये नहीं कि जो पहुंच जाएंगी, ये जो पहुंच जाए, मैं कह रहा हूँ टिपिकल क्रिकेट फैन आप फंसा रहे हैं, दिल सिर्फ दिल का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे जब हम सीरियस वीडियोज लेके आएंगे हमारे फैंस के व्यूअर्स के सामने। आप जिन्हें चाहते हैं पहुंच जाए, जो पहुंचेंगे वो जरूरी नहीं, आयरलैंड एंड जर्मनी। बिल्कुल, मैं चाहता तो हूँ कि मैं डेस्परेट हूँ कहीं ना कहीं कि जर्मनी थोड़ा पहुंचे, परफॉर्म करे, पर देखेंगे। चलिए आगे, और आपका? जी हाँ, आपका मेरे ऑब्वियस बात है, मैं ओमान और नेपाल को ही चाहूंगा क्योंकि ओमान मेरी फेवरेट टीम है। में कहा है? ओ ग्रुप ए, मेरे चलिए वापस आ रहे हैं, ग्रुप ए में चलते हैं। ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो आयरलैंड, यूएई, जर्मनी और दूसरी बहरीन। मेरी भी आयरलैंड और जर्मनी, मैं बिल्कुल चाहूंगा जर्मनी अच्छा परफॉर्म करे और नेक्स्ट राउंड में जरूर से जरूर पहुंचे। एज अ क्रिकेट फैन मैं डेफिनेटली ये देखना चाहूंगा, लेकिन क्या होगा क्या नहीं वो तो हम आगे वीडियो पे जरूर सच्चाई के सामने लेकर आएंगे। ग्रुप बी की तरफ चलते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि मैंने तो अपना रिवील कर दिया है, ओमान मेरी फेवरेट एसोसिएट टीम है और नेपाल को मैं दिल से चाहता हूं कि यह वक्त आ गया है फाइनली आप ये इनका वर्ल्ड कप खेलने का। मैं चाहूंगा कि ये इस बार वर्ल्ड कप खेले, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, कुशल भुतेल को के लिए खास करके मैं चाहूंगा, क्योंकि कुशल भुतेल का मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था कि उनकी ऑस्ट्रेलियन टीम फेवरेट है, उनके ऑस्ट्रेलियन बॉलर फेवरेट है, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उनके पर्सनल फेवरेट, सन का इंटरव्यू मैंने देखा था, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कुशल भुतेल ऑस्ट्रेलिया की धरती में जाकर बेहतरीन परफॉर्मेंस करें उन्हीं प्लेयर्स के सामने, तो जबरदस्त एक बेहतरीन माहौल होगा और मैं दिल से चाहता हूं कि ये टीम तो जरूर से जरूर जाए। इसलिए अभी कनाडा और बहरीन को मैं फिलीपींस को नहीं चाहूंगा, मेरे फेवरेट ओमान और नेपाल होंगे इस ग्रुप से, जिन्हें चाहता भी हूं मैं और जाएंगे नहीं वो तो आगे हम बात करेंगे। आपके फेवरेट? नहीं, मेरे भी ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि टफ कॉम्पिटिशन हो, जब ये लोग वहां पहुंचेंगे फर्स्ट राउंड में पहुंचेंगे वर्ल्ड कप के, तो वहां पे भी इतना टफ कॉम्पिटिशन हो कि मजा आ जाए देखने में, एक एक रन के लिए, एक एक पॉइंट के लिए वहां पे बहुत ज्यादा गेम ऑन हो जाए, तो ऑब्वियसली ओमान नेपाल ही वो कर पाएंगे यहाँ से, तो बिल्कुल ओमान नेपाल। चलिए तो देखते हैं कि हमने जो एज अ क्रिकेट फैन प्रेडिक्ट किया वो चीजें होती है कि नहीं होती है, लेकिन जब बात आ जाती है कि आप सही सेंसिबल वे में अगर हम प्रेडिक्ट करें एज स्टैट्स के साथ समझ के कंडीशंस को देखते हुए, तो वो तो हम मैच प्रीव्यू में आपके सामने लाएंगे ही, वहां पर यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत जैसे कहते नहीं है कि चीजें कहनी आसान होती है लेकिन जब सामने आती है तो बिल्कुल अलग होती है। एज अ क्रिकेट फैन ये प्रेजेंट करने की हमने कोशिश की है, ये सारी चीजें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हम चाहेंगे दिल से ये सारी चीजें हो जाए। चलिए हमने ये सब भी बता दिया है, लास्ट में एक चीज और बात कर लेते हैं, इधर से सेमीफाइनल होंगे, मान लीजिए हमने कह ही दिया कि इधर से ओमान नेपाल, उधर से आयरलैंड जर्मनी पहुंच गया आपके, अब आप किन दो को वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं, आपके फेवरेट जो आप चाहते हैं जिन्हें देखना जाएंगे वो नहीं? आयरलैंड नेपाल,
ऑब्वियसली आयरलैंड नेपाल, नेपाल ने बहुत मेहनत की है, जिस तरीके से नेपाल उठ के आया है पारस खड़का के जाने के बाद, नेपाल ने ट्राई नेशन सीरीज जीती, वर्ल्ड क्रिकेट लीग में अच्छा 50 ओवर की मैं बात छोड़ रहा हूँ, अपनी एक पॉजिटिव वाइबनेस को बरकरार रखा। जरूर, ये आपने सही कहा है, तो ऑब्वियसली आयरलैंड नेपाल, बिल्कुल मेरी भी आयरलैंड नेपाल, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं नेपाल को देखना चाहता हूँ फाइनली वर्ल्ड कप में, और मेरे माइंड में बार बार वही क्लिक करता है कुशल गुर्तेल की ऑस्ट्रेलियंस फेवरेट्स है कहीं ना कहीं, और यही वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना है, बहुत ही अच्छा मौका है, उनका एक ड्रीम पूरा हो जाएगा, मैं उनके लिए भी चाहता हूँ कि वो जरूर से जरूर इस वर्ल्ड कप में खेले और वर्ल्ड कप में टीम पहुंचे, और आयरलैंड तो उम्मीद भी है पहुंचेगी भी और फेवरेट भी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, आपकी प्रेडिक्शन रखिए, दिमाग का इस्तेमाल हम आने वाले वीडियो में करेंगे, दिल से आपको आपको जो टीमें पहुंचनी चाहिए उनके बारे में बात कर लीजिए, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या लगता है आपको भी, क्या क्या टीमें क्या क्या बाजी मार सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही एशियन क्रिकेट की इस चैनल के साथ जिसका नाम है डेली क्रिकेट, लगातार आपको अपडेट्स यहां मिलती रहेंगी, टाइम टू टाइम कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लगातार देते रहते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आपको लगातार न्यूज प्रोवाइड करा दी जाती है डेली क्रिकेट की तरफ से, एफर्ट हम पूरी कोशिश करते हैं हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में आप तक पहुंचाने की। बाय बाय।